मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में क्या है आज अपन डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन वन ऑफ द प्रॉपर्टीज विच लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इसका मीन्स क्या है, प्रजनन करने की जो क्षमता है वो क्या है, एक संपत्ति में से एक है जो निर्जीव पदार्थ में से जीवित रहने को अलग करती है। यानी कि द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वह एबिलिटी जो रिप्रोड्यूस करती है वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज है विच डिस्टिंग्विश अलग होना, लिविंग फ्रॉम रहना, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर यानी कि जो निर्जीव पदार्थ है उनसे। द मोर प्रिमिटिव द एनिमल्स द सिंपलर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल जितने अधिक प्रिमिटिव होते हैं उनमें उतनी ही जो आपके रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो उतनी ही इजी होती है, यानी कि वो सिंपल होती है। एनिमल्स जो हैं वो जितने अधिक प्रिमिटिव रहते हैं उनमें उतनी ही जो अपने रिप्रोडक्शन करने की जो प्रोसेस है वो उतनी ही सिंपल होती है। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस इज वन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफर एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजी। इन ह्यूमन बींग के अंदर द प्रोसेस इन वन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफरेंट एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अपने रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है वो क्या है, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म सेल कॉल्ड गैमेट्स। यानी कि जो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म्स क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, युग्मक बोलते हैं या गैमेट्स बोलते हैं। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। जो मेल जो है उनके जो गैमेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। जो फीमेल है उनको क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। दे कंटेन द जेनेटिक मटेरियल और जीन्स ऑन क्रोमोसोम विच पास इनहेरिटेड करेक्टर्स ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या होते हैं, उन गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या है, पास होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस इज वन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफर एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, जो मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजिकली और फंक्शन में दोनों में क्या है, विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न
होते हैं जो बोथ मेल्स एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव जर्म सेल, जो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्या है रिप्रोडक्टिव जर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल के जो जर्म प्रोड्यूस करते हैं उनको अपन स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, जो फीमेल जो जर्म सेल जो है वो जर्म सेल प्रोड्यूस करती है उसको अपन बोलते हैं ओवा बोलते हैं। द कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जीन्स ऑन क्रोमोसोम विच पास इनहेरिटेड कैरेक्टर्स टू वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो मटेरियल है जीन्स है ये क्या है अपनी जो एक जनरेशन है उनसे क्या है दूसरी जनरेशन के अंदर क्या है पास होते हैं। इन अदर बॉडी सेल दैट आर 46 क्रोमोसोम अरेंज इन 23 पेयर बट इन गैमेट्स देर आर ओनली 23 वन ऑफ इन ईच पेयर। जो अपने क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं 46 होते हैं और 23 पेयर के अंदर क्या है अरेंज रहते हैं, बट जो गैमेट्स हैं वो क्या 23 होते हैं और वन फ्रॉम ईच पेयर, और अपने जो एक पेयर के अंदर प्रत्येक पेयर के अंदर क्या है वो प्रेजेंट रहते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाई मियोसिस। जो गैमेट्स हैं किन से बनते हैं मियोसिस से बनते हैं। व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज बाई स्पर्मेटोजोन द रिजल्ट जायगोट कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वन ऑफ ईच पेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। जब ओवम फर्टिलाइज होता है किसके द्वारा स्पर्मेटोजोन के द्वारा रिजल्ट क्या आता है उसमें जायगोट कंटेंट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर क्या है वहां पे क्रोमोसोम्स के बनते हैं। वन ऑफ ईच पेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फादर एंड वन ऑफ फ्रॉम द मदर। उनमें से क्या है एक पेयर जो है वो क्या है मदर से लिया जाता है और जो दूसरा है वो किसका होता है फादर का होता है। द जायगोट एम्बेड्स इटसेल्फ इन वॉल ऑफ यूट्रस वेयर इज ग्रो एंड डेवलप ड्यूरिंग द 40 वीक गेसेंशियल पीरियड बिफोर बर्थ। जो जायगोट है वो क्या है जो अपनी यूट्रस की वॉल है वहां पे क्या अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है कब तक 40 जो उसके वीक हैं बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले के जो 40 वीक्स हैं वो उस टाइम पे अपने यहाँ पे वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो अपन इसको रिवाइज करते हैं। इन अदर बॉडी सेल दे आर 46 क्रोमोसोम्स अरेंज इन 23 पेयर। जो अपने 46 क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है 23 पेयर के अंदर क्या है अरेंज होते हैं और इनके अंदर बट किंतु इन द गैमेट्स देर आर ओनली 23 वन फ्रॉम ईच पेयर। ये जो है 23 होते हैं गैमेट्स और ये जो अपनी प्रत्येक पेयर के अंदर क्या है प्रेजेंट होते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाई मियोसिस। जो गैमेट्स हैं वो किससे बनते हैं मियोसिस से बनते हैं। व्हेन द ओम इज फर्टिलाइज बाई स्पर्मेटोजोआ द रिजल्ट द जायगोट कंटेंट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वन ऑफ ईच पेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। जब अपना ओवम जो है वो फर्टिलाइज होता है किसके द्वारा स्पर्मेटोजोन्स के द्वारा उस टाइम पे क्या होता है 23 पेयर जो है क्रोमोसोम के बनते हैं उनमें से जो एक पेयर है वो कहाँ से जनरेट होता है मदर से और दूसरा किससे ऑब्टेन होता है फादर से। द जायगोट एम्बेस इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस वेयर इज ग्रो एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 40 वीक गेसेंशियल पीरियड बिफोर बर्थ। जो जायगोट है वो एम्बेस्ड होते हैं कहाँ पे अपने जो यूट्रस की वॉल है वहां पे और वो 40 वीक जो है वहां पे क्या अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है जन्म से पहले। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स हैं जो उनकी क्या है फॉर्मेशन होती है
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जर्म्स हैं उनकी क्या है, फॉर्मेशन होती है। रिसेप्शन ऑफ मेल गेमेट स्पर्मेटो, जो रिसेप्शन है यहाँ पे क्या है, रिसीव होते हैं क्या, मेल के जो स्पर्मेटो जो है वो क्या है यहाँ पे, रिसीव होते हैं। प्रोविजन ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्मेटो जो एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस क्या है यहाँ पे, जो अपन सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है किसको, फर्टिलाइजेशन के लिए, जहाँ पे क्या है वो स्पर्मेटो जो और ओवम वो दोनों के दोनों क्या है फिटस का डेवलपमेंट करते हैं। पास्टुरेशन चाइल्ड बर्थ, बर्थ लैक्टेशन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर द बेबी इन द अर्ली लाइफ। और क्या है यहाँ पे, जो आपका बेबी है उसको क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं। जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसकी, जो अपनी जर्म सेल हैं जो गेमेट्स हैं वो है उनकी क्या है, फॉर्मेशन करता है, रिसेप्शन रिसीव करता है, जो मेल गेमेट्स हैं स्पर्मेटोजोआ है उनको क्या है यहाँ पे रिसीव करता है। प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, जो उसको जो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रोवाइड कराता है। फिटस का डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, लैक्टेशन यानी कि उसको जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, जो क्या करता है अपना बेबी को जो है वो उसकी नीड फुलफिल करता है। नेक्स्ट अपना है फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ है उनका क्या है प्रोडक्शन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ टू द फीमेल, और जो फीमेल है उसके अंदर क्या है ट्रांसमिशन करता है किसको, स्पर्मेटोजोआ को। नेक्स्ट अपना क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको क्या है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों के अंदर क्या है डिवाइड किया गया है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनेटली आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन, दो भागों में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल ऑर्गन में और इंटरनल ऑर्गन में। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं और अपने इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ब्रेस्ट है, ओवरी है, यूटेराइन ट्यूब है, यूरेटर है और अपने जो वेजाइना है, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं।
इनकी पोजीशन दिखाई गई है, कौन सी कहाँ कहाँ पे कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट अपना है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं। द एक्सटर्नल जेनाइटल आर नोन एज कलेक्टिव एज द वल्वा। उसको अपन क्या बोलते हैं, वल्वा अपन इसको बोलते हैं। जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उसको कलेक्टिवली रूप से अपन क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। ये बनता किस किस से है, इट कंसिस्ट ऑफ लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेजाइनल ओरिफेस, इनसे क्या है ये मिलके बना होता है, वेस्टिबुल, हाइमेन, वेस्टिबुल ग्लैंड्स, इनके द्वारा क्या है ये मिलके बना होता है। जो अपना एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रूप से अपन उसको वल्वा बोलते हैं। और इसके अंदर कौन से किस किस से मिलके बनता है ये, अपना लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेजनल ओरिफेस, वेस्टिबुल्स, हाइमीन और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, इनसे क्या है ये अपना जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है ये मिलके बना होता है। और अपन क्या है इनके सबके बारे में, एक एक के बारे में क्या है, ब्रीफ से भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है अपना एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के क्या है डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, सारी की सारी जो चीजें थी अपनी कौन सी, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये क्या है लिबिया मेजोरा है, लिबिया माइनोरा दिखाई गई है इसके अंदर, ये एनस दिखाया गया है, हाइमिन दिखाया गया है, ओपनिंग ऑफ द ग्रेटर वेस्कुलर ग्लैंड दिखाई गई है, वेजल इंट्रोस्ट डायलेटेड पार्ट दिखाया गया है, यूरेट्रल ओरिफेस दिखाई गई है, क्लाइटोरियस है और मेंस प्यूबिस है। ये सारी की सारी क्या है इसमें डायग्राम में अपने को दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है, लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा क्या है, लीबिया मेजोरा क्या है, दो लार्ज फोल्ड होते हैं, दीज आर द टू लार्ज फोल्ड्स, ये क्या है दो लार्ज फोल्ड होते हैं, विच फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द वल्वा, और ये क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, यहाँ पे वल्वा पे बाउंड्री बनाते हैं। दे आर कंपोज ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड द फैट एंड द कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड, यहाँ पे किससे बनती है, कंपोज ऑफ स्किन से बनती है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फैट होती है और लार्ज नंबर ऑफ सीबेसिस ग्लैंड यहां पे क्या है प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियरली द फोल्ड्स जॉइन इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंटीरियरली जो है वो जो फोल्ड है वो किसको कनेक्ट करते हैं, फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस को क्या है वो जॉइन करते हैं या कनेक्टेड रहते हैं। द पोस्टीरियरली द मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम, और पुच्छे के भाग से कहां से जुड़ते हैं ये, पोस्टीरियरली मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम से क्या है ये जुड़े हुए रहते हैं। एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन द मंस प्यूबिस एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लिबिया मेजोरा,
प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हेयर फोलिकल्स है वो ग्रोथ करते हैं, और ये कहाँ पे जो मेंस पुबिस है यहाँ पे क्या हेयर फोलिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। लीबिया मेजोरा क्या है, दो लार्ज फोल्ड होते हैं विच फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द वल्वा, ये क्या बनाते हैं, वल्वा पे बाउंड्री बनाते हैं। दे आर कंपोज ऑफ स्किन फाइबर्स टिश्यू एंड फैट एंड कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, ये किससे बनते हैं, कंपोज ऑफ द फाइबरस टिश्यू होते हैं एंड फैट होती है, और जो लार्ज नंबर में क्या है यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। एंटीरियरली की बात करें तो एंटीरियरली द फोल्ड जॉइन इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंटीरियरली क्या है ये फोल्ड है वो कहाँ किससे कनेक्ट होते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस से कनेक्ट होते हैं। पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली दे मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम, पिछले भाग से क्या है ये मर्ज होते हैं कहाँ पे, पेरिनियम में। एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन द मेंस प्यूबिस, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या है हेयर ग्रो होते हैं कहाँ पे, मेंस प्यूबिस पे एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लेबिया मेजोरा, और जो लेटरल सरफेस है स्किन लेबिया मेजोरा की वहां पे क्या है हेयर फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है लीबिया माइनोरा, लीबिया माइनोरा क्या है, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लीबिया मेजोरा, ये क्या है दो स्मॉल फोल्ड होती हैं किसकी, स्किन की, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन द लीबिया मेजोरा, लीबिया मेजोरा के बीच में क्या है ये सिचुएटेड होती है। कंटेनिंग न्यूमेरियस सेबेसियस ग्लैंड, और किससे जुड़ती है, यहाँ पे बहुत सारी क्या है सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दीज क्लेफ्ट बिटवीन द लीबिया माइनोरा इज वेस्टाबुल, और जो बीच में जो क्लेफ्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, द लीबियम इज द वेस्टाबुल्स, द वेजाइना यूरिथ्रा एंड डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टाबुलर ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टाबुल, और यहाँ पे जो क्या है वेजाइना यूरिथ्रा और जो डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टाबुल्स ग्लैंड है वो क्या है ओपन होती है। दीज जो लीबिया माइनोरा है वो क्या है, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन, ये क्या है दो छोटे छोटे क्या है स्मॉल फोल्ड होते हैं किसके, स्किन के, बिटवीन द लीबिया मेजोरा, कहाँ पे होते हैं लीबिया मेजोरा में, कंटेनिंग न्यूमेरियस सेबेसियस ग्लैंड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है सेबेसियस ग्लैंड होती है। द क्लेफ्ट बिटवीन द लीबिया माइनोरा इज वेस्टाबुल, जो क्लेफ्ट होता है बीच में इनके किसको क्या बोलते हैं वेस्टाबुल्स होता है, द वेजाइना यूरिथ्रा एंड डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टाबुल्स ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टाबुल्स। नेक्स्ट क्या है अपनी क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस क्या है, द क्लाइटोरियस कोरिस्पोंड्स टू द पेनिस इन द मेल एंड कंसर्न सेंसरी नर्व एंडिंग द इरिटेटल टिश्यू बट इज नो रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस। द क्लाइटोरियस कोरिस्पॉन्ड टू द पेनिस इन द मेल एंड कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग एंड टिश्यू बट इज नो रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्या है अपनी हाइमिन, हाइमिन क्या है, द हाइमिन इज ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच पार्शियली द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, इट इज नॉर्मली द हाइमिन इज ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइमिन क्या है थिन लेयर है किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की, द पार्शियली ऑक्यूज द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, इट इज नॉर्मली इनकम्प्लीटेड टू द अलाउ द पासेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो।
नेक्स्ट है अपना वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होती हैं? द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जिनको क्या बोलते हैं, बाथरूम ग्लैंड्स बोलते हैं, आर सिचुएटेड ऑन वन ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ओपनिंग ओपनिंग नियर द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल की ओपनिंग है वहां पे क्या है, ये प्रेजेंट होती हैं। दे आर अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल पी एंड हैव डक्ट। ये क्या है, बीज के आकार की होती हैं और ये डक्ट प्रेजेंट होती हैं। ओपनिंग इन टू द वेजिटेबल्स इमिडिएटली रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमिन। और ये ओपनिंग आपको कहाँ पे होती हैं, डक्ट वेजिटेबल्स इमिडिएटली रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमिन। द सीक्रेट म्यूकस दैट केप्ट टू ऑल्वा मॉइस्ट। और ये क्या सीक्रेट करती हैं, मॉइस्चर सीक्रेट करती हैं। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, ब्लड सप्लाई, यानी कि जो अपनी इंटरनल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया जो है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, उस पर क्या है अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक्स टू ऑल।